गुड इवनिंग यूट्यूब, नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के समय में और एक अच्छे से लोकेशन के साथ में। और आज मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे एक अच्छा सा लोकेशन मिला था और मैं चाह रहा था कि मैं इसमें एक वीडियो बनाऊँ अच्छे से। तो दामिनी बेबी मेरे साथ में जा रही है और यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा फील्ड है, यहाँ पर लोग ना बच्चे मैच खेलते हैं यहाँ पर क्रिकेट ना शाम के समय पर। और शाम के समय ना नज़ारा देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए पूरे खेती खेत है और इनमें ना खेती नहीं होती है, ऐसे छोड़ रखे हैं बांझ पौड़ा जो तो बोलना पाँच पौड़ा वैसे छोड़ रखे हैं और खाली में ना घास काटते हैं, है ना, जाते हैं स्कूल प्राइमरी स्कूल। और यहाँ पे ना एक बड़ा सा आम का पेड़ है ये ना, और दामिनी बोल रही है कि वो यहाँ पे हाँ छोटे छोटे आम होते हैं ना और हम बहुत खाते थे क्योंकि जिस रास्ते हम जा रहे हैं ना वहाँ पे स्कूल है एक से पाँच तक है ना, हाँ और आंगनवाड़ी भी है वहाँ पे। और एक काफल का पेड़ देखिए, काफल कोई इस तरह से इतना बड़ा पेड़ पूरा हरा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। पाख्यो मां उड़ा दी लटोली बुला दी होली अपु मां शोली सी को होली घसेरी बिता। पाख्यो मां उड़ा दी लटोली बुला दी जनी अपु मां छोड़। और यहां पे देखिए एक बड़ा सा आम का पेड़ भी है और बहुत ही घना है और इसमें अगर भालू चढ़ जाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे ना आग लगा रखी है ताकि गर्मियों में ना ज़्यादा आग ना लगे, और अभी लग जाएगी थोड़ा बहुत तो उतना ज़्यादा असर नहीं होएगा। पूरे यहाँ पे चीड़ के पेड़ है, यानी कि कुएँ के पेड़ है यहाँ पे। और रात का समय है ना और यहाँ पे डर भी है जंगली जानवरों का, लेकिन अभी पूरे जंगली जानवर दिखाई देंगे यहाँ से। अगर 200-300 मीटर दूर पर रहेंगे ना जंगली जानवर तो भी दिखाई देंगे कि हाँ आगे कुछ है। यहाँ पर ना बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है। और दामिनी यहाँ पर पढ़ाई करती थी, कौन से क्लास तक की पढ़ाई की? आंगनबाड़ी से पांच। हाँ तो यहाँ पे आंगनबाड़ी भी है, आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी हम गेट से एंटर हो रहे हैं अंदर के लिए और यहाँ पे ना बहुत ही डरावना सा लग रहा है ना, मतलब दूर तक कोई नहीं है और जंगल ही जंगल है यहाँ पे। और ये पीपल का पेड़ है बड़ा सा, तो कुछ यादगार है आपके यहाँ पे? अच्छा ठीक, ये वाला बरगद का पेड़ है इतना बड़ा। और यहाँ पे ये लोग ना बैठे रहे हुए ना जब गर्मियों के समय में हाफ टाइम में और छुट्टी के समय में खेलते थे। हाँ अरे हम क्या बन रही है, अच्छा नई स्कूल बन रही है और पुरानी स्कूल कुछ स्कूल में काम कर रहे थे। हाँ मतलब अच्छा कर दिया यहाँ पे इन्होंने अभी, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा बना रखा है, मतलब स्कूल ना देखने लायक है, पुरानी स्कूल है लेकिन बहुत ही अच्छा बना रखा है। यहाँ पे ना टाइल्स भी लगा रखे हैं, पूरा दिखाता हूँ कि कैसे कैसे स्कूल, पुरानी स्कूल है बहुत ज्यादा। दामिनी कितना साल पुरानी है? पापा रो, तो मतलब पापा जी जो हमारे ससुर जी है दामिनी के पापा जी वो भी इसी स्कूल में पढ़ रखे हैं। और आप वो तो दामिनी से अभी पूछेंगे हम लोग कि कैसे कैसे ये कि ये वाला क्या है, ये वाला ऑफिस है, ये वाला चौथी क्लास में वाला बैठ रहा और वो पांचवी क्लास में और एक दो अच्छा मतलब ये वाला ऑफिस हो गया, ये वाला फोर्थ क्लास वाले के लिए, चौथी क्लास के लिए और ये पांचवी क्लास वालों के लिए, और एक से और तीन तक रहते हैं वो बच्चे बाहर यहाँ पे बैठेंगे। पिछले साल तो नहीं था यहाँ पे, पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल बनाया उन्होंने बहुत ही अच्छा कर रखा है। पहले स्कूल के बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा, ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही क्लियर मैदान है यहाँ पे। और ये लिपस्टिक के ऊँचे ऊँचे पेड़ है और चीड़ के, उसके बाद में यहाँ पे है दो कमरे जो कि नए बना रखे हैं, और ये है आंगनबाड़ी केंद्र, और यहाँ पे है बरगद पीपल और आम के बड़े बड़े पेड़, और ये है स्कूल बहुत ही पुरानी। दामिनी बोल रही है कि उनके पापा जी वहीं पे पढ़े हैं और मैं उनको पूछूंगा अभी। यहाँ पे ए से लेके और जेड तक इस तरह से बना रखा है और महीनों के नाम और सप्ताह के नाम इंग्लिश में लिख रखे हैं, है ना। और यहाँ पे आओ स्कूल चले हम कुछ इस तरह से पेंटिंग बना रखी है, कुछ भी सूचना देने के लिए यहाँ पे बना रखे हैं और पूरी ना टाइल्स लगा रखी है, बहुत अच्छा काम कर रखा है यहाँ पे। और ये झंडा लगाने के लिए यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छे लोकेशन है बाहर ना, पिछले साल यहाँ पे ना पौधे भी लगा रखे थे। ये है अमरूद का पेड़ और ये है बैंगने का, और इसमें भी ना छोटे छोटे वो लगा रखे हैं। और वहाँ पे ना लोग भी आ रहे हैं कुत्ते लेके, यानी घूमने के लिए आ रखे हैं। को गाँव पे वहाँ पे भी दूसरा गाँव है, लोग आते रहते हैं ना यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और आजकल ना जैसे गर्मी एम्बुलेंसों में तो लोग घूमने आ रहे होंगे ना यहाँ पहाड़ों में। और ये पूरा तो स्कूल है, यहाँ पे ऑफिस है, ये पुराना किचन है और ये है पानी की टंकी, पानी पानी हो रही है पर, और पानी भी आ रहा है। और ये है
किचन यहाँ पे जो नया बन रखा है, पहले मेरे ख्याल से किचन यहाँ पे था ना। हाँ किचन यहाँ पे। और खेना को कौन सा तुम? अच्छा मतलब देख लो भाई कुछ इस तरह से स्कूल, बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्कूल है ना, माइंड ग्रो। तो अभी हम आपको कुलाना पीछे भी लेके जाएंगे, यानी कि स्कूल के पीछे। हाँ तो स्कूल के पीछे कुछ इस तरह से है। क्या खेल खेल जा तुम? अच्छा सोनिया। अच्छा मतलब छप्पा दौड़ी तोनिया। बैट बॉल खेलता? बैट बॉल लड़के खेलता हूँ। अच्छा और पूरी जगह ना बाउंड्री कर रखी है, बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री कर रखी है। हाँ दो रास्ते बना रखे, एक ये वाला एक पीछे वाला जिससे हम आए, और बाउंड्री बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री कर रखी है ना, ताकि जंग जानवर से खतरा ना हो कुछ भी है ना। पानी का बढ़ी नॉलेज। अच्छा मतलब वो उधर से कनेक्शन दे रखा है, मैं पानी टेस्ट करूँगा पहले। तो इस तरह से और इसकी मुंडी ऊपर हो रखी है नल की। हाँ कुछ इस तरह से आ रहा भाई पानी, मुंडी टेढ़ी हो रखी नहीं, कोई बात नहीं पानी तो आ रहा है। पानी का टेस्ट ऐसा हो रहा है ना, जैसे हमारे इधर आता है गदेरों का पानी आता है ना, तो थोड़ा मीठा मीठा पानी होता है, लेकिन यहाँ पे ना जड़ी बूटियों का पानी आता है, जैसे बांज के, चीड़ की और बड़े बड़े जो पेड़ है ना उनके जड़ से पानी आता है ना, तो इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, मतलब अच्छा है, लेकिन जड़ी बूटी का जो पानी है ना उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। अच्छे अच्छे जो श्लोक जो विचार हैं और जिससे हम लोग प्रेरित हो सकते हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है मेहनत की चाबी से ही सफलता का दरवाज़ा खुलता है। जैसे कि टाटा पाड़ी मेहनत कर रहा है अभी अपने दम पे और एक दिन जरूर सफल होएगा। जितनी कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी, मतलब जितनी मैं मेहनत करूँगा टाटा पाड़ी मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा मेरी शानदार जीत होगी। तो मैं अभी आपको ये अच्छी अच्छी लाइनें बैक कैमरे से दिखाऊंगा, ताकि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, यानी कि आप अपने जीवन में थोड़ा उदास हो कि हम क्या करें कैसे करें, ऐसा नहीं हो रहा वैसे सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये लाइनें देख के आपको थोड़ा सहयोग मिलेगा। देखिए भाई कुछ इस तरह से लिख रखा है ना, तो आप भी पढ़ सकते हो इनको। रात को तो कोई नहीं रहता यहाँ पे, लेकिन लाइट लगा रखी है ना सबसे बड़ी बात है, जबकि दिन में तो लाइट की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लाइट लगा रखी है। पढ़ान को देखा वो तो पिछले साल यहाँ पे अंशी और सोना खेल रहे थे, ये देखिए इस वाले में, यहाँ पे दो कमरे, यहाँ पे आंगनवाड़ी, और अभी हम निकल गए ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे थोड़ा से भी पत्ते हिल रहे हैं ना, जैसे ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं या फिर कुछ लकड़ी गिर रही है इन पत्तों में, तो बहुत साउंड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन फेंक रहा है, जंगली जानवर आ गया ना। और यहाँ पे चिड़िया भी है ना, काली काली चिड़िया, वो भी पत्तों के ऊपर बैठ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या आ गया होगा। तो अभी हमने ये वाले रास्ते जाना था, दूसरे वाले, और सड़क में ये रास्ता मिलता है, लेकिन अभी हम उस रास्ते नहीं जाएंगे क्योंकि रात हो गई है ना। मुझे ना कमेंट आते रहते हैं कि वीडियो बड़ी हो गई, कोई बोलता है वीडियो छोटी हो गई, बड़ी मत बनाओ, तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे पौड़ी में ना कुछ दिनों के लिए आ रखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है जो दिखाने लायक हैं, जो हम कैप्चर कर सकते हैं, तो वो मैं कैप्चर करता हूँ, क्योंकि चार पाँच वीडियो में मैं पूरा कैप्चर कर लूँगा और यादगार हो जाएगी है ना, यादगार के तौर पे। ऐसा है नहीं कि मैं यहीं का हूँ तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, और वैसे भी यहाँ पे बहुत कम आते हैं, कभी एक साल छः महीने में आने को होता है ना। उन लोगों को वीडियो बड़ी लगती है जो लोग देखते नहीं है, क्योंकि अगर क्योंकि एक आदमी 20 मिनट की वीडियो एक ही बार देखेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो चार पाँच बार देखेगा, तो उसको बड़ी से क्या मतलब, बड़ी छोटी से है ना। जो लोग अपने गाँव घर परिवार है ना, अपने ये सुंदर से उत्तराखंड से देवभूमि से दूर है ना, थोड़ा उनके भी कमेंट पढ़ लो, वो क्या बोल रहे मेरे को भाई थोड़ा वीडियो बनाओ। अभी मेरे भाई का फोन आ रहा था, राहुल भाई का जो मलेशिया में है, भाई आज वीडियो नहीं डाली क्या? क्यों नहीं भाई, मैं रात को क्या क्या देखूंगा बताओ, ऐसे ऐसा सीन है, ठीक है। अगर मैं बड़ी वीडियो डालता हूँ कभी कभी ना, जैसे 20-25 मिनट की, तो उसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं बताऊँ, जिसको 5 मिनट की वीडियो देखनी है वो 5 मिनट तक देखे और बंद कर दे फोन, है ना। जिसको 10 मिनट देखनी है वो 10 मिनट देख ले, है ना, और जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है वो तो पूरा ही देखेंगे, है कि नहीं। जो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं वो मेरी वीडियो पूरा देखेंगे, क्या बोलते हो। मैं YouTube के बारे में ना 3 साल से सीख रहा हूँ, और मैं सीख चुका हूँ YouTube के बारे में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। और मैं आज ना सबके डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना, कि मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। जैसे भाई लोग बोल रहे थे ना कि छोटी वीडियो बनाऊँ, तो ऐसे में ना जैसे मैंने अभी घुमाया ना 10 मिनट कैमरा, और आपने खाली स्कूल स्कूल देखी, जो मैं मेन चीज़ आपको बताना चाहता था ना वो मैंने नहीं दिखाई। आज यहाँ का नेचर और यहाँ का जो सुंदरता है जो कुछ भी, हाँ वो मैंने आपको क्लियर नहीं दिखाई। क्यों?
क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी। वीडियो लंबी होने का मतलब यही है कि मैं आपको ना पूरा हाँ जो जो अच्छा है वो मैं आपको पूरा दिखा सकूँ, क्योंकि जब मैं बड़ी बड़े बनाता हूँ ना तो 5-6 GB की एक वीडियो हो जाती है ना, और उसमें मेरा ना डबल रिचार्ज खर्च होता है। मतलब जितना आप लोग ना एक महीने के लिए खर्चा करते हो ना, एक महीने का रिचार्ज कराते हो ना आप जितने पैसों में, उतने का मैं एक ही दिन में रिचार्ज करता हूँ उस वीडियो को अपलोड करने के लिए, है ना। मेहनत भी ज़्यादा लगती है बनाने में और एडिटिंग करने में, उसमें मेरा ही फायदा है और किसी का नहीं है। अगर मैं ये सोच लूँ ना कि मैंने कंटेंट के हिसाब से चलना है, कि मतलब अगर मैंने बोल दिया कि ये देखिए चीड़ का पेड़ और आपको मैं चीड़ का पेड़ दिखाऊंगा, तो मैं सिर्फ आपको चीड़ का पेड़ दिखाऊंगा उस वीडियो में, इधर उधर कुछ नहीं दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये होता है कंटेंट के हिसाब से। अगर मैं कंटेंट के हिसाब से चलूंगा तो आपको ना देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत वही दिखेगा, रास्ते में क्या है और कैसा है, कैसा नज़ारा है कि नहीं, वो नहीं दिख पाएगा आपको, ठीक है। तो कुछ गलत फहमी थी, आई होप आपकी अच्छे से दूर होगी है ना। अभी हम घर आ गए हैं और मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, अब हम लोग खाना बनाएंगे। और मैंने आज की वीडियो में थोड़ा बहुत आपको स्कूल का नज़ारा दिखाया, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे कैसा है नज़ारा, और आपके थोड़ा बहुत जो डाउट है ना वो भी क्लियर हो गए होंगे कि मैं वीडियो लंबी क्यों बनाता हूँ। आज की वीडियो में ये एंड करूँगा, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरु, जय गढ़वा, टाटा।